फ्रेंड्स, मैं समीर समाज की ब्रांडी टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं कल की बातें। कल कोरोना वायरस से लड़ने वाले कर्मचारियों के सम्मान में पीएम मोदी रिक्वेस्ट थी कि भारत के सभी देशवासी घर की लाइट बंद करके मोमबत्ती, टॉर्च, मोबाइल फ्लैश लाइट या दिया जलाएं। कई जगहों पे मोमबत्ती, कई जगहों पे टॉर्च, कई जगहों पे दिए, कई जगहों पे मोबाइल फ्लैश लाइट 9:09 तक जलते हुए दिखाई दिए। लोगों ने जलाया, लेकिन जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा थी वहां पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मुस्लिम इलाकों में ज्यादातर लोग कोरोना की वजह से जिन लोगों के काम बंद हैं, घर में राशन नहीं थे, उन लोगों को खाना और राशन बांटते हुए दिखाई दिए। हम आपको वीडियो दिखाते हैं। जी, अब ये जो लॉकडाउन हो गया है इसकी वजह से कर रहे हैं जी, तो इसमें आपकी हेल्प कौन करता है? आप लोग मोहल्ले के लोग क्या करते हैं या कैसे प्रोड्यूस करते हैं? देखिए, हम जो काम करते हैं सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से करते हैं। एक वर्ल्ड वाइड ये इस्लामिक मूवमेंट है जिसके अमीर, जिसके लीडर है मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब। उनके ताउन से और उनके बताए हुए तरीके पे हम लोग अमल करते हुए लोगों की यहाँ पे खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ इधर ही नहीं बल्कि बालोनी ही नहीं बल्कि इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान भर में आप देखेंगे कई जगहों पर ऐसे काम चालू है जहाँ पे गरीबों को कई तरीके से मदद की जा रही है। राशन के ज़रिए और खाना खिलाने के ज़रिए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं कई दिनों से। तो ये सारा जो काम हो रहा है ये हमारे अमीर मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब की बताए हुए तरीके पर हो रहा है। और सारे हिंदुस्तान भर, जैसे मैंने बताया कि सारे हिंदुस्तान भर में हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर ये नहीं देखा जा रहा कि कौन से धर्म के लोग हैं कि उनकी खिदमत की जाए, बल्कि सारे इंसानों के लिए। अब यहाँ भी देखेंगे कि मुसलमानों के साथ साथ कई गैर मुस्लिम भी यहाँ पर आते हैं, तो हमने उनको पूछ के नहीं किया कि आप कौन हैं, बल्कि अगर ज़रूरत है तो हम उनको खाना पहुँचाने की कोशिश करें। जी, मलाड़ में जिम्मेदार मैं ही हूँ। मेरा नाम माजिद शेख है, जो मालूनी की, खासकर मालूनी का जिम्मेदार हूँ मैं। तो यहाँ पर जो भी काम होते हैं ये तकरीबन हम जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उसी दिन से ये काम शुरू है। पहले हम लोग बहुत कम यहाँ पब्लिक थे जिसको खाने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन जब पब्लिक ने देखा कि यहाँ पे खाना पड़ रहा है तो लोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और अब भी आप देखेंगे तो कई लोग ऐसे आते हैं जो नए नए आ रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई है जिसमें उन लोगों का नाम है। अब वो लिस्ट तकरीबन 650 से 600 के करीब पहुँच गए, यानी एक वक्त में 650 आ रहे हैं और दो वक्त का खाना उनको दिया जा रहा है। तकरीबन 1200 लोग का खाना यहाँ पर रोज डिस्ट्रीब्यूट होता है। हाँ, हमारी कोशिश तो वही है और हमारी अमीर तक भी ये बात, हमारे लीडर तक भी बात पहुँच चुकी है। वो भी इंशाल्लाह इसमें कोशिश लगातार कर रहे हैं और हर तरीके से हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक लॉकडाउन रहेगा इंशाल्लाह हम लोग ये खिदमत करने की कोशिश करेंगे। गाड़ी वहाँ आ जाइए। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666471111। धन्यवाद।